असलम डियर लर्नर्स एंड वेलकम इन दिस वीडियो थोराटिकल हमने बहुत बातें कर ली कि ऑपरचुनिटी क्या होती है ऑपरचुनिटी किस तरह से आप हंट कर सकते हैं आप किस तरह इकोनॉमिक ट्रेंड्स को डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को किस तरह से न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करके वहाँ से कोई आपटी बिजनेस ऑपरचुनिटी हंट कर सकते हैं फिर हमने इनोवेशन के हवाले से भी बातें कर ली थोराटिकल काफ़ी कि इनोवेशन क्या होती है आप प्रोसेसड या कॉस्ट इनोवेशन या प्रोडक्ट इनोवेशन किस तरह अपने बिजनेस में ला सकते हैं और किस तरह इनोवेशन आपको कॉम्पिटिशन बीट करने में हेल्प करती है और उसके अलावा हमने क्रिएटिविटी के बारे में भी काफ़ी थेरेटिकल बातें कर ली कि क्रिएटिविटी क्या होती है और आपके बिज़नेस को किस तरह से हेल्प करती है अब बात आ जाती है फील्ड की हमने अगेन अपने स्टूडियो में बुलाया आमना को आमना सही हम बातें कर रहे हैं और उन्हीं से जानना चाह रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू कि क्रिएटिविटी इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी इसका लिंक क्या बनता है बिजनेस में सो वेलकम अगेन इन स्टूडियो। थैंक यू मच प्लेजर। हमारे लर्नर्स ऑलरेडी जानते हैं कि आप जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है उसमें डील करती हैं और जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर तो क्रिएटिविटी इन कलेक्शन अच्छा सो पहला सवाल हमारा यही है बींग एन ऑन्टरप्र्योर अच्छा जेम्स एंड ज्वेलरी या क्लोदिंग या किसी ऐसी इंडस्ट्री में जिसे क्रिएटिविटी ज्यादा है क्रिएटिविटी का ऑन्टरपेोरशिप से कितना गहरा ताल्लुक है देखिए जी आई बिलीव दैट क्रिएटिविटी एंड ऑनटरप्रनोरशिप गो हैंड इन हैंड वन के नॉट सर्वाइव विदाउट दी अदर आप ऑनटरप्रनोर बनते हैं उस वक्त जब आप मार्केट में जाएं एंड यू गिव योर कोई आपने एक आइडिया है आपके पास इट कैन बी आइडिया इट कैन बी अ प्रोडक्ट इट हैज़ टू बी क्रिएटिव कोई ऐसी नई चीज़ आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं जिसको आइडिया को फौरी से लोग ग्रैप कर लें ठीक है आपके मार्केट की एक नीड क्रिएट हो जाए फौरी से ठीक दैट इज क्रिएटिविटी ठीक हो गया इनोवेशन आई बिलीव के क्रिएटिविटी से ही उसको हम लिंक करते हैं ठीक हो गया एक बिजनेस है आई एम रनिंग माय बिजनेस मैं अपना ज्वेलरी का बिजनेस कर रही हूँ उसके अंदर मुझे क्रिएटिव तो होना ही होना है साथ ठीक हो लेकिन गया लेकिन मुझे वक्त के साथ-साथ उसके अंदर कुछ इनोवेशंस ऐसी लेकर आनी है जिससे मैं टाइम टाइमली अपने आप को किस तरीके से कॉस्ट एफिशिएंट कर सकती हूँ बिल्कुल ऐसे है। है, इसके अलावा मैं किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से मार्केट कर सकती हूँ और मैं किस तरीके से ज्यादा अपनी क्लाइंटल अट्रैक्ट कर सकती हूँ बिल्कुल ये सारी चीजें आएंगी इनोवेशन के अंदर बिल्कुल और ये टाइम के साथ साथ ही आपको आती है यानी इन यानीटिविटी का और इनोवेशन का ताल्लुक से बहुत गहरा था काफ़ी गहरा बहुत गहरा काफ़ी गहरा ताल्लुक है अच्छा वैसे तो अगेन हमने बात की कि थेटिकल साइड तो हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हुए हैं आपके हिसाब से यंग ऑनटरपन ऑपरचुनिटी को किस तरह से उनको फोर्स ही करना चाहिए यानी ऑपरचुनिटी कहाँ कहाँ से उसको मिल सकती है देखिए नॉन ऑपरचुनिटी आई बिलीव दैट अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नजर आएंगी जिनके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं बिल्कुल अपॉर्चुनिटी के लिए यू नीड टू हैव नॉलेज ठीक आप बाहर निकलें और आप देखें एक रीसेंट डेज की मैं आपको मिसाल देती हूँ कि अभी कुछ अरसे से गवर्नमेंट ने बल्कि वर्ल्ड वाइड एक फोनिना स्टार्ट हुआ है कि रिड्यूस प्लास्टिक प्लास्टिक बिल्कुल no बिल्कुल से नो टू उसके अंदर अब एक ये चीज एक इस चीज की मार्केट एक अपरचुनिटी राइज की कि पीपल कैन स्टार्ट अ बिजनेस कि वो बायोडिग्रेडेबल मटीरियल से शॉपिंग बैग्स बनाए बिल्कुल ऐसे ही। है। ठीक है जो कि प्लास्टिक को जो है ना कट आउट कर दे बिल्कुल ऐसे ही। अब ये आइडिया कोई ये कह लें कि ये मार्केट में अभी से नहीं है सही। ये एक अरसे से चीज चल रही है अब जरा थोड़ा सा इसके ऊपर वर्किंग ज्यादा हुई ठीक प्ला, जब प्लास्टिक को कट करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारे इशूज उससे रिलेट किए अब ये चीज इसके ऊपर काम ज्यादा हुआ अब 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 ये गवर्नमेंट पॉलिसी बेसिकली बन गई है। गवर्नमेंट पॉलिसी बनती जा रही है ना अभी बहुत बहुत जल्दी ये पॉलिसी होगी कि ये मॉल्स एंड शॉपिंग से प्लास्टिक बैग्स खत्म कर दिया जाए ये अपरचुनिटी है बिल्कुल और ये वो अपरचुनिटी है जो कि टाइमली आप ग्रैप करें ठीक हो गया इस वक्त फौरी से आप ऐसा एक मशीन लें या ऐसा एक सेटअप बनाएं जिसके अंदर आप कपड़े के बैग्स या बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो कि रीयूजेबल हो बिल्कुल ठीक है इस तरह की चीज बना के फौरी से मार्केट के अंदर अपने आप को एक्टिव करें तो एक अपरचुनिटी uh, उसके साथ आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया और उस इनोवेटिव आइडिया के अंदर जितनी आप क्रिएटिविटी मैंने रिसेंटली इसके ऊपर जब थोड़ा सा देखा तो वो ये था कि ये आइडिया तो चले सबको पता लग गया कि जी वी वी नीड री यूजेबल मटीरियल फॉर द शॉपिंग बैग्स बिल्कुल अब इसके अंदर इनोवेशन क्या हुई कि मुझे फेसबुक के ऊपर एक लिंक आया जिसके अंदर ये था कि जी डिजोल्वेबल एक कंपनी है जिसने पानी के अंदर डिजोल्व होने वाले बैग्स बना दिए बिल्कुल ऐसा है ठीक है वो बायोडिग्रेडेबल तो है ही है ठीक हो लेकिन है। वो इतने इजी टू यूज हैं कि वो आप लेकर घर आए और पानी के प्याले के अंदर उस बैग को डालें वो डिजोल्व हो जाएगा बिल्कुल ठीक है दिस इज इनोवेशन अब आइडिया तो ये अपॉर्चुनिटी भी है मार्केट में कि आप रीयूजेबल बैग्स बना सकते हैं क्रिएटिविटी भी आ गई कि बायोडिग्रेडेबल हो सकता है

वो अपने इन्वायरमेंट के बारे में अवेयर रहें और दूसरी बात क्या के बारे है। में अवेयर रहें और हर वक्त इस चीज़ के लिए रेडी रहें दैट इफ देर इज एन अपॉर्चुनिटी ग्रैब इट इट राइट अवे एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन बिल्कुल मेरा अगला सवाल भी यही था कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई होती है इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बिकॉज हम ये कहते हैं कि इफ़ द क्रिएटिविटी हैज़ नो डेड इट्स जस्ट अ ड्रीम यानी क्रिएटिविटी में अगर आप वक्त पे नहीं कुछ चीज़ डिलीवर कर पा रहे हो और आप बहुत ओवर इम्फोसाइज कर रहे हैं क्रिएटिव होने पर समबडी एल्स विल ब्रिंग द प्रोडक्ट और True. वो मार्केट को विन करके चला जाएगा आपके नज़दीक क्रिएटिविटी और टाइम का जो लिंक है इसका क्या ताल्लुक बनता है लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने एडवाइस देनी हो किसी को तो आप क्या एडवाइस देंगे क्रिएटिविटी और टाइम को अगर मैं लिंक करू ना तो मैं क्रिएटिविटी को टाइम से लिंक नहीं करूंगी मैं इनोवेशन को टाइम से लिंक करूंगी इनोवेशन को टाइम से लिंक ठीक क्रिएटिविटी आपका एक आइडिया है आप उस पर काम करें मैंने पहले भी यही एडवाइस दी थी वो ट्रायल चलता एक्टली exactly, कि आप एक स्टेप लें ठीक हो गया स्टार्ट वर्किंग ऑन इट ठीक हो गया वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट और आप लोगों को बताना शुरू करें कि हाँ मैं भी ये काम कर रहा हूँ इनोवेशन इज लिंक टू टाइम आप टाइम के साथ साथ उसको इनोवेट कर दें ठीक हो गया लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करें राइट वे ठीक हो गया यानी इतना डिले नहीं करना एग्जैक्टली exactly, आप, आपका आइडिया कोई और करके मजीद उसको ले जाए और आप सोचते रहें कि यार ये तो मैं सोच रहा था ये तो मेरा आइडिया था बिल्कुल ठीक हो गया अच्छा एक आखिरी सवाल क्योंकि ताल्लुक वैसे तो हमने इसके ऊपर पूरा एक जिसे कहते हैं एक वीडियो रिकॉर्ड जरूर करनी है बट अगेन आपकी जस्ट एक राय आपसे चाहिए बिकॉज आप भी डिजाइनिंग करते हैं इनोवेशन uh, को कितना जरूरी है लीगली प्रोटेक्ट करना खास तौर पर आज के दौर में बहुत ज्यादा uh -huh. इसलिए क्योंकि अब एक्सेस है ना सबके हाथ में इजी एक्सेस बिल्कुल ऐसे है मैंने अगर, अगर अपना कोई डिजाइन बनाया मैंने उसकी तस्वीर बनानी है और मैंने पेज के ऊपर लगानी है ठीक है और बहुत से लोग उसको एक क्लिकली exactly. एनी वन इट बहुत सारे लोग ने कोई भी उसको एक क्लिक के ऊपर तस्वीर उसके कंप्यूटर के अंदर उसके उसको सेव करके वो अपने खुद बनवा ले और रेप्लिका, अपने बनवाले। उसका रेप्लिका अपने हिसाब से बनवा ले उसका रेप्लिका बनवाए उसको इनोवेट करके अपने हिसाब से जैसे मर्जी करे उसके अंदर फिर मेरा जो वो है ना वो चीज खत्म हो गई अब बिल्कुल तस्वीर का और उस क्लाइंट का लिंक है कि वो चाहे मेरे से बनवा ले या चाहे उसका कोई और है उससे बनवा ले ठीक हो या वो उसको अपने हिसाब से जो मर्जी यूज करे मैंने अपनी इनोवे अपनी क्रिएटिविटी मार्केट कर दी बिल्कुल ऐसे ठीक है ओपन यानी ओपरचुनिटी भी है और आप क्रिएटिव भी हैं और आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया भी है exactly. लेकिन इसके साथ साथ अपने इनोवेटिव आइडिया को लीगली प्रोटेक्ट जरूर करें जरूर करें। ठीक हो गया एट दी एंड हम आपसे जो एक सवाल पूछना चाह रहे हैं अगेन कितना ज्यादा इनोवेटिव होना चाहिए यानी एक तरह की एक राय यह पाई जाती है कि अगर आप ऑनटरपन्यर हैं तो हर सूरत में आपका आइडिया बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए वेयर एज हम ये देखते हैं कि ऑन्टरप्रनोर uh, हैं पेट्रोलियम uh, के अंदर हैं जेम्स एंड ज्वेलरी के अंदर हैं इसी तरह फूड में हैं और uh, उनकी जो इनोवेशन है वो इतनी डिसरप्टिव नहीं है यानी कि आइडियाज उनके अच्छे हैं सो so, क्या यानी अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास एक बहुत एक्स्ट्रा यूनिक आइडिया नहीं है तो क्या मैं ऑन्टरपनर नहीं बन सकते आप बिल्कुल बन सकती हैं एंड आई टोटली विद यू डिस इससे मैं disagree इस तरीके से करूँगी क्योंकि आप सिर्फ एक ये मिसाल ले लें कि मैं ज्वेलरी बना रही हूँ बिल्कुल हंड्रेड ऑफ लेडीज ज्वेलरी बना रही हैं बिल्कुल ऐसा ही है ठीक है तो आप ये कैसे मैं कैसे ये बात कह सकती हूँ मेर, मेरा कोई आउट ऑफ द दर्ल्ड आईडिया एंड इज अर्निंग देर ओन पोर्सन ठीक हो गया आपका सिर्फ एक प्रोडक्ट का एक यूनिक सेलिंग होगी आप, हो exactly, हो आप जो आपको से कस्टमर से जोड़ देगी मेरे ख्याल है इस वक्त मार्केट के अंदर लेडीज होंगी जो बेकिंग कर रही हैं बिल्कुल ऐसा है ही है जो खाना बना के घर में सेल कर रहे हैं बिल्कुल ऐसा है तो है है। खाना तो वही है जो थी? हमने खाना मतलब हमारा एक जो नॉर्मल खाना होता है या जो अगर हम कॉन्टिनेंटल या जो भी बाहर की डिशेज हैं जैसे भी वो वो तो खाना तो वही है ना बिल्कुल है, है। उसमें सिर्फ ये है कि आप अपना टेस्ट ऐड कर सकती हैं ठीक लेकिन आप खाने को आफ्टर वर्ल्ड कैसे बनाएंगी बिल्कुल ऐसे ठीक है।, है आप ज्वेलरी को आउट ऑफ द वर्ल्ड कैसे बनाएंगी ठीक हो गया इज इज द सेम सेट ऑफ ज्वेलरी दिस नेकलेस रिंग्स रिंग यही चीजें हैं चीजे सबने ज्वेलरी में पहननी है आप ऐसा क्या आउट ऑफ द वर्ल्ड ले आएंगी ठीक है ठीक है जिसकी वजह से आप बैठ के ये सोचती रहे कि मैंने बिजनेस नहीं करना मैंने ज्वेलरी मेरा बहुत एक्स्ट्रा यूनिक नहीं है, नहीं है। मैंने ज्वेलरी तो बनानी है लेकिन मैं हार कांटे नहीं बनाऊंगी तो आप क्या बनाएंगी ठीक हो गया हार कांटे ही डिमांड है हार कांटे ही सबने पहने हैं तो आप हार कांटे बनाए आपकी डिजाइनिंग के अंदर क्रिएटिविटी आ सकती है आप डिजाइन को क्रिएटिव कर सकते हैं आप डिजाइन को यूनिक कर सकते हैं आप डिजाइन को डिफरेंट कर सकते हैं लेकिन आप अपनी कोर प्रोडक्ट को डिफरेंट किस तरीके से करेंगे ठीक हो गया अनलेस डिफरेंट बिल्कुल जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बात हो सकती कोई है कोई ब्रेक थ्रू थ्रू टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी आप या कोई इस तरह की सब ये है कि वो आपका एक आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया हो सकता है बिल्कुल ऐसा ही ठीक है।, है लेकिन ऑलरेडी जो प्रोडक्ट मार्केट में है या इफ यू आर गोइंग थ्रू डेली डे केयर प्रोडक्ट बिल्कुल उसके अंदर आप ऐसा क्या इनोवेट करेंगे बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये आमना सवाल करने का पर्पज भी यही है बिकॉज इस वक्त हमारे जितने भी यंग ऑनटरपन हैं जब वो किसी इंक्यूबेशन सेंटर में जा रहे होते हैं तो दे ऑलवेज़ ट्राई कि उनका आइडिया हद से ज़्यादा यूनिक हो सो वी यूजली ट्रेन के अगर आपका आइडिया uh, इतना ज़्यादा इनोवेटिव नहीं भी है बट अगर कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मार्केट और मार्केट के अंदर जो कॉम्पिटिशन है उससे थोड़ा बेहतर बना देती है और आपके पास अपना कोई यूनिक सेलिंग प्रापोजिशन है बेश प्रोडक्ट वही है तो यू कैन गो टू द मार्केट आप मार्केट exactly. में जा सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं एक आखिरी सवाल आम आपसे बिकॉज आप जिस इंडस्ट्री में उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है ये इनोवेशन और ये क्रिएटिविटी आपको कॉम्पिटिशन में कितना हेल्प करती है इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ साथ आपका क्वालिटी बहुत आपकी जो है ना कंपटीशन को इफेक्ट करती है ठीक है अगर आप अपने क्लाइंट को वो चीज़ दे रहे हैं जो कि आप कह रहे हैं तो दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ

किसी को भी बेवकूफ नहीं समझ सकते ही गोज इन मार्केट एंड एंड इट नॉट वेट इट इज नॉट यू वो खुद भी नहीं आ रहा और वो अपने साथ 20 बंदे और भी नहीं लेकर आए और अब तो फेसबुक ने इतना आसान कर दिया सोशल मीडिया तो तो करते, करते, exactly. करते और फिर आपके पास इस तरह के पे आप एक के बारे में बैड रिव्यू दे दें और वो बैड रिव्यू को हजारों लोग पढ़ते हैं ठीक है और एक चेन चल जाती है उस बैड रिव्यू से ठीक आपका एक बैड रिव्यू उसके बाद आपने चाहे सौ दफा अच्छी चीज़ भी किसी क्लाइंट को दे दिया लेकिन वो जो आपका एक बैड रिव्यू है ना वो उसको इफेक्ट करता है बिल्कुल ऐसा ही है रिया स्टूडेंट हम बात कर रहे थे इनोवेशन uh, की ऑपरचुनिटी की और क्रिएटिविटी की और uh, ये फील्ड एक्सपीरियंस था बेसिकली हम ये कहते हैं कि आपके पास ऑपरचुनिटी uh, अगर आपने इन्वामेंट से कैच कर ली है तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि जिसके बाद आप एक अच्छी इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ जाएं आइडिया का हद से ज़्यादा यूनिक होना हर के ज़रूरी नहीं है आप किसी भी अच्छे रेगुलर आइडिया रेगुलर बिजनेस को जिसमें आपके पास कोई यूनिक सेलिंग प्रापोज़िशन है जो आपको आपकी कंपेरिटि से या एग्जिस्टिंग मार्केट से बेहतर बना सकता है तो आप उसको लेकर मार्केट में आ सकते हैं और अपना ऑनटरप्रनोरल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं सो यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़